आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग के बारे में और जानेंगे कैसे आप प्रैक्टिकली एक सूट प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ जानेंगे उस सूट का डिफेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अगर आप एज ए न्यू कमर लॉ के फील्ड में एंटर कर चुके हैं और आपको ये नहीं पता कि ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग क्या होती है और सुना है तो आपने बस ये कि ड्राफ्टिंग इज एन आर्ट, ड्राफ्टिंग कम्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब टू ड्राफ्ट ए डॉक्यूमेंट। बात सही है, ड्राफ्टिंग इज ए डिफ़िकल्ट जॉब, बट अगर आपकी अप्रोच सही है टूवर्ड्स ड्राफ्टिंग तो काफ़ी हद तक चीज़ें ईजी पड़ जाती हैं समझने के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग रॉय और मेरा ऑब्जेक्टिव है लोगों को लीगली अवेयर करना। आप इस चैनल की नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और पा सकते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। साथ ही साथ इस वीडियो से रिलेटेड मेरे कुछ नोट्स हैं जो मैंने अपने ब्लॉग पे डाले हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, ड्राफ्टिंग है क्या एंड व्हाई वी नीड ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग एक डॉक्यूमेंट है जिससे आप कोर्ट को ये बताते हैं कि आपका कौन सा राइट वॉयलेट हुआ है, साथ ही साथ उस राइट के वॉयलेशन के लिए आपको कौन सी रेमेडी चाहिए, साथ ही साथ आप इस कोर्ट को क्यों अप्रोच कर रहे हैं और कोर्ट से आपको क्या रिलीफ चाहिए। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग दो तरीके की होती हैं, सिविल ड्राफ्टिंग एंड क्रिमिनल ड्राफ्टिंग। जब हम बात करें क्रिमिनल ड्राफ्टिंग की तो इसमें आते हैं FIR, बेल एप्लीकेशन, एंटिसिपेटरी बेल एंड एक्सेट्रा। और जब हम बात करें सिविल ड्राफ्टिंग की तो इसमें आती हैं प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, रिट्स, पिटीशन एंड एक्सेट्रा। बहुत से लोगों के माइंड में सवाल उठता है कि कौन सा मैटर सिविल ड्राफ्टिंग से डील करता है और कौन सा मैटर क्रिमिनल ड्राफ्टिंग से डील करता है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान से सुननी होगी। जब भी आपका क्लाइंट आपको अप्रोच करता है और आपसे कहता है कि मेरा कोई राइट वॉयलेट हुआ है या मेरे अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है तो उसके अगेंस्ट मुझे रिलीफ चाहिए, तो जब भी क्लाइंट रिलीफ की बात करता है तो उस रिलीफ में अगर वो डिमांड करता है इम्प्रिजनमेंट की या फाइन की तो वो मैटर क्रिमिनल ड्राफ्टिंग से डील करता है। अगर वो क्लाइंट बात करता है कि नहीं, मुझको किसी को इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन नहीं लगवाना, मुझको बस अपना कंपनसेशन चाहिए या डैमेजेस चाहिए, तो वो मैटर आ जाता है सिविल ड्राफ्टिंग का। लॉ में बहुत से ऑफेंसेस ऐसे हैं जो सिविल और क्रिमिनल दोनों में डील करते हैं, सच एज दैट इज़ मैटर रिलेटेड टू डिफेमेशन एंड मैटर रिलेटेड टू चेक बाउंसिंग, बोथ आर एट द सेम टाइम क्रिमिनल एज वेल एज सिविल। इट डिपेंड्स कि आपका क्लाइंट आपको अप्रोच किस तरीके से करता है, उसको किसी इंडिविजुअल को जेल में भेजना है, फाइन लगवाना है या फिर बस उस अपने कंपनसेशन चाहिए। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए एंड बी आर टू पार्टी, बी ने ए के खिलाफ एक डिफर्मेटरी स्टेटमेंट कहा। ए आपके पास आया एज ए क्लाइंट और आपसे कहा मुझे बी को इम्प्रिजनमेंट करवाना है, उसको जेल में भेजना है, तो ऐसे में ये मैटर हो जाएगा क्रिमिनल ड्राफ्टिंग का। आप उस क्लाइंट को बस एक सलाह दोगे कि इफ़ यू वॉन्ट ए रेमेडी अगेंस्ट बी टू पुट हिम इन जेल तो आपको एक FIR डालनी पड़ेगी। FIR के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चार्जशीट प्रिपेयर करेगी और चार्जशीट प्रिपेयर के बाद ट्रायल चलेगा। ट्रायल में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे प्लस एप्लीकेशंस लगेंगी दोनों पार्टी के खिलाफ। तो इस पूरे प्रोसीजर में जो भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी पार्टी के द्वारा लगाई गई हो, चाहे वो ए हो या बी हो, वो मैटर आ जाता है क्रिमिनल ड्राफ्टिंग का। और अगर हम सेम ही एग्जांपल पे सिविल ड्राफ्टिंग की बात करें, सपोज़ ए ने कहा कि मुझे बी को जेल में नहीं भेजना, बस मुझे चाहिए अपने कंपनसेशन क्योंकि उसने मेरे खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट कहा है, ये मैटर हो जाता है सिविल ड्राफ्टिंग का। ऐसे में ए को सबसे पहले बी को नोटिस भेजना होगा कि आई एम गोइंग टू फाइल ए सिविल सूट अगेंस्ट यू अगर आपने मुझे मेरे डैमेजेस नहीं दिए, बिकॉज यू हैव फाइल्ड इन सच अ वे ए डिफर्मेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट मी। तो ऐसे में सिविल नोटिस भेजना, सूट प्रिपरेशन करना सच एज प्लेंट और उसका डिफेंस प्रिपेयर करना सच एज रिटन स्टेटमेंट जो कि सेकेंड पार्टी करेगी, और उसके बीच में जो भी प्रोसेस होंगे, जो भी एप्लीकेशन डलेगी, वो सारी की सारी आ जाएगी सिविल ड्राफ्टिंग की। सपोज
ए एंड बी आर टू पार्टी। अब एक क्वेश्चन और उठता है, अगर ए ने बी के खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल करवा दिया तो क्या उसी मैटर पे वो सिविल केस भी फाइल कर सकता है? इसका आंसर है नो। आपके क्लाइंट को बस एक ही वे चुनना पड़ेगा। अगर वो चुनता है क्रिमिनल तो आपको क्रिमिनल सूट फाइल करना है, अगर वो चुनता है सिविल तो आपको एक सिविल सूट फाइल करना है। लेकिन अगर एक चीज़ डिसाइड हो चुकी है, सपोज आपने क्रिमिनल केस में एफआईआर डाल दी और उसके अगेंस्ट उसे पेनल्टी हो गई, उसको इम्प्रिजनमेंट हो गया, फिर आप उसके खिलाफ सिविल सूट नहीं फाइल कर सकते। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। जब भी हम बात करें पार्टीज़ की तो पार्टीज़ के नाम वेरी करते हैं अलग अलग ड्राफ्टिंग में। मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ इस चीज़ को समझने के लिए। जैसा कि आप इस कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे है पार्टी जिसने एक्शन लिया, ये है वो पार्टी जिसके अगेंस्ट एक्शन हुआ। तो यहाँ पे मैंने ड्राफ्टिंग के तौर पे आपको समझा रखा है कि कैसे अलग अलग ड्राफ्टिंग्स में पार्टीज़ के नाम बदल जाते हैं। जब भी हम सूट की बात करते हैं सिविल सूट, तो उसमें प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आते हैं। प्लेंट लिखी जाती है प्लेंटिफ के द्वारा और कोर्ट को ये बताया जाता है कि प्लेंटिफ का कौन सा राइट हर्ट हुआ है या वॉयलेट हुआ है, जिसके अगेंस्ट प्लेंटिफ डैमेजेस या कंपनसेशन क्लेम करना चाहता है। और डिफेंडेंट जब अपना डिफेंस जब देता है डिफेंडेंट, उसको बोलते हैं हम रिटन स्टेटमेंट। तो इसमें पार्टी जो एक्शन लेती है उसको प्लेंटिफ ही बोलते हैं, और जिसके अगेंस्ट एक्शन होता है दैट मींस जो डिफेंस कर देता है अपना, उसको बोलते हैं हम डिफेंडेंट। जब हम बात करें पिटीशन की, जो कि सिविल नेचर की होती है, उसमें जो इंडिविजुअल एक्शन लेता है उसको बोलते हैं पिटीशनर, और जिसके अगेंस्ट एक्शन होता है जो डिफेंस देता है अपना उसमें, उसको हम बोलते हैं रिस्पोंडेंट। ऐसे ही अपील में जब हम अपील की बात करते हैं तो अपीलेंट और रिस्पोंडेंट यहाँ पे पार्टी के डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। अब हम क्रिमिनल ड्राफ्टिंग की अगर बात करें तो इसमें जब भी कोई कंप्लेंट होती है तो पार्टी जो कंप्लेंट डालती है उसको हम कंप्लेनेंट बोलते हैं, और पार्टी जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट डाली गई हो उसको हम एक्यूज्ड बोलते हैं। यहाँ पर हम अपील की बात करते हैं क्रिमिनल मैटर में, तो वहाँ पर अपीलेंट और एक्यूज्ड स्लैश रिस्पोंडेंट आ जाता है। अभी तक हमने जाना ड्राफ्टिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है और पार्टीज़ के नाम कैसे वेरी करते हैं ड्राफ्टिंग में। तो अब हम जानते हैं कि आप कैसे एक सिविल सूट प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ हम जानेंगे कि कैसे आप उसी सूट का डिफेंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सपोज़ हमें सिविल सूट डालना है तो ए जो पार्टी है वो पहले तो नोटिस भेजेगी बी को कि बी ने मेरा राइट वॉयलेट किया है और मुझको उसके अगेंस्ट डैमेजेस या कंपनसेशन चाहिए। अगर बी सपोज़ ए का रिप्लाई नहीं देता, नोटिस का रिप्लाई नहीं देता और वो डैमेजेस को भी मना कर देता है, तो इन दैट केस ए को एक प्लेंट डालनी पड़ेगी कोर्ट में। और उसके अगेंस्ट अगर बी का कोई डिफेंस है तो वो कोर्ट में बी सबमिट करेगा एज रिटन स्टेटमेंट विद इन 30 डेज। जब भी हम प्लेंट प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम देते हैं कोर्ट का नाम एंड प्लेस, उसके बाद हम देते हैं सूट नंबर जिसको हम एम्प्टी रखते हैं। ये जब हम कोर्ट को सबमिट करेंगे अपनी प्लेंट, जब वो खुद डालता है यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर। लेफ्ट हैंड साइड में फिर हम अपनी पार्टीज़ का नाम देते हैं, सबसे पहले वो पार्टी आती है जिसने केस किया, उसका नेम और उसका डिस्क्रिप्शन और उसका एड्रेस। राइट हैंड साइड पे हम मेंशन करते हैं कि पार्टी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे है वो प्लेंटिफ है। फिर हम डालते हैं वर्सेस, और ये वो पार्टी आती है जिसके अगेंस्ट केस डाला गया हो, उसका नेम, उसका एड्रेस और राइट तरफ मेंशन कर दिया जाता है कि वो है डिफेंडेंट। देन आता है आपका सब्जेक्ट ऑफ द सूट, सूट आप डाल रहे हैं किस बारे में, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ योर सूट, एक शॉर्ट में समझाया जाता है सिंपल फॉर्म में। फिर आ जाते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। अब ये पॉइंट एक्सटेंड हो सकते हैं आपके फैक्ट के अकॉर्डिंग,
यहाँ पे हम प्लेंट की बात कर रहे हैं, तो प्लेंटिफ सबमिटेड एज अंडर, तो यहाँ पे अब प्लेंटिफ को अपना प्लेंट में सब कुछ समझाना पड़ेगा, क्या कॉज ऑफ एक्शन है, किस लिए वो केस फाइल करना चाहता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआती कुछ पॉइंट में जो प्लेंटिफ अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देता है, अपने बारे में एक आइडेंटिटी बताता है कोर्ट को कि उस वो एक लॉ अबाइडिंग पर्सन है, उसकी डिफेंडेंट से कोई लड़ाई नहीं थी प्रीवियसली, इस बारे में ये कुछ पॉइंट्स होते हैं स्टार्टिंग के। आफ्टर दैट जो कुछ और पॉइंट होते हैं मिडिल के, वो डील करते हैं कॉज ऑफ एक्शन से। अब कॉज ऑफ एक्शन में आता है इंसिडेंट ऑफ एक्शन, मींस कि आपने आपका कोई राइट वॉयलेट हुआ, उसके अगेंस्ट आपको क्या क्या डैमेजेस हुई, आप एक डिफेंडेंट से क्या क्या क्लेम करना चाहते हो, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है कॉज ऑफ एक्शन में। एंड में कुछ आते हैं लीगल पैराग्राफ, और इन पैराग्राफ को हम चेंज नहीं कर सकते, हम इन पैराग्राफ को एज इट इज़ मेंशन करते हैं। सच एज हमें कोर्ट को बताना पड़ता है कि कोर्ट फीस सबमिट कर दी गई है, कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, वैल्यूएशन ऑफ सूट हो चुका है, और हम जो सूट डाल रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर डाल रहे हैं जो लिमिटेशन लॉ के अकॉर्डिंग है। तो हम इसमें बेसिकली समझाना चाहते हैं कि हमारा लीगली हमारा सूट एक क्वालिफाइड सूट है टू बी डिसाइडेड। आफ्टर दैट हमारी आती है प्रेयर। प्रेयर में हम शॉर्ट पॉइंट में या पैराग्राफ में समझाते हैं कि हमें रिलीफ क्या चाहिए कोर्ट से एज ए प्लेंटिफ। फिर लेफ्ट तरफ हम प्लेस और डेट मेंशन करते हैं, राइट तरफ हम सिग्नेचर मेंशन करते हैं प्लेंटिफ का। उसके बाद आती है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में प्लेंटिफ कोर्ट को ये बताता है कि कितने पैराग्राफ प्लेंटिफ के अकॉर्डिंग सही हैं, प्लस कितने पैराग्राफ प्लेंटिफ को एडवोकेट ने एडवाइज करे हैं एज ए लीगल पैराग्राफ। इसमें बेसिकली प्लेंटिफ ये बताता है कि जितने भी पैराग्राफ या जितने भी इंसिडेंट या कॉज ऑफ एक्शन उसने मेंशन किया है प्लेंट में, उसके बिलीव के अकॉर्डिंग सही हैं। फिर लेफ्ट तरफ डेट और प्लेस आती है, राइट तरफ प्लेंटिफ के सिग्नेचर, और ये हो जाती है हमारी एक प्लेंट तैयार। फिर आते हैं एफिडेविट। एफिडेविट के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब इसी प्लेंट का हम रिटन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो सेम आएगा, पहले कोर्ट का नाम, उसके बाद सूट नंबर हम एम्प्टी छोड़ देंगे, कोर्ट का नाम हमें भरना पड़ेगा प्लस प्लेस भरना पड़ेगा। अब आ जाता है इन द मैटर ऑफ ए एंड बी। तो इसमें जो प्लेंट में और रिटन स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है वो यही है कि पार्टी का हमने पहले सही से डिस्क्रिप्शन दिया था, इसमें हम चाहें तो पार्टी का नॉर्मली डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं ए एंड बी इन द मैटर ऑफ। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट आता है कि आपका सूट किससे डील कर रहा है, क्या सब्जेक्ट मैटर है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे हम बताएंगे कि डिफेंडेंट आ जाएगा यहाँ पे प्लेंटिफ की जगह, और हम बताएंगे कि डिफेंडेंट के अकॉर्डिंगली क्या क्या पॉइंट्स रेज किए गए हैं। अब स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट, जैसा कि हमने प्लेंट में डिस्कस किया था कि पार्टी अपने डिस्क्रिप्शन को बताती है कि और आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करती है कि पार्टी कौन है, तो उसको हम नॉर्मली एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो भी पॉइंट कहे गए हैं प्लेंट, जो भी पॉइंट दिए हैं प्लेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ में या फोर्थ पैराग्राफ में, वो सही हैं। और अगर वो पैराग्राफ गलत है समहाउ, तो आपको हर एक पैराग्राफ को, हर एक पॉइंट को स्पेसिफिकली डिनाई लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ वन इज स्पेसिफिकली डिनाइड बिकॉज, फिर आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों डिनाई कर रहे हैं उस पैराग्राफ को। मिडल में आ जाता है आपके कॉज ऑफ एक्शन। जो कॉज ऑफ एक्शन प्लेंटिफ ने स्टार्ट किया था, जो बताया था कि क्यों उसका राइट वॉयलेट हुआ, कैसे राइट वॉयलेट हुआ और उसको क्या क्या डैमेजेस हुई, अगर वो सच बोल रहा है तो ठीक है, पर अगर वो गलत बोलता है या फिर, तो डिफेंस में आपको वो मेंशन करना पड़ेगा कि वो कॉज ऑफ एक्शन सही नहीं है लीगली या फिर फैक्चुअली, आपको फैक्ट देने पड़ेंगे और आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा। और रेस्ट में जो लीगल पैराग्राफ होते हैं उनको
रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता, बट हमें मेंशन ज़रूर करना होता है दीज आर लीगल पैराग्राफ्स एंड हिंस नीड नो रिप्लाई। और हर एक पैराग्राफ को हमें स्पेसिफिकली डिनाई करना पड़ेगा, डिनाई करना चाहते हैं तो। रिटन स्टेटमेंट में भी प्रेयर आती है, प्रेयर में आपको बस यही मेंशन करना है कि कैसे हम प्लेंट को डिसमिस करवाएं, क्या क्या पॉइंट्स हैं या क्या क्या ग्राउंड्स हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस डेट, राइट हैंड साइड पे डिफेंडेंट के सिग्नेचर, वेरिफिकेशन सेम वैसा ही होता है जैसा प्लेंट में हमने तैयार किया था। लेफ्ट हैंड साइड प्लेस एंड डेट एंड राइट हैंड साइड डिफेंडेंट के सिग्नेचर। तो अभी तक हमने जाना ड्राफ्टिंग क्या होती है, ड्राफ्टिंग कितने तरीके की होती है, पार्टीज़ के नाम कैसे वेरी करते हैं, साथ ही साथ हमने जाना एक प्लेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, साथ ही साथ उसके डिफेंस को भी कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इन सब से रिलेटेड नोट्स मैंने अपने ब्लॉग पे डाले हुए हैं, आपको लिंक मिलेगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको एक वेब पेज आ जाएगा और उस वेब पेज पर आपको सारे के सारे इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, गुड बाय।